हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपराध टैग में दोस्तों। और मैं फिर से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। कोरोना टाइम चल रहा है यार, सबसे पहले ये ज़रूरी है क्योंकि केस मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मे भी शायद ऐसा लग भी रहा है कि कोविड वगैरह लॉकडाउन वगैरह फिर से हो जाए। इससे पहले हम अपना तैयारी पूरा रखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोचते रहेंगे यार ये अपराध भाई इतना दिन कहाँ चले गए थे, क्यों वीडियो लेकर नहीं आ रहे थे। तो रीज़न बहुत साफ़ है, ये रीज़न था जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं ला रहा था, राइट। खैर, अभी तो हम अकेले हैं, ऐसा बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ मोटो E7 के बारे में, मोटो E7 प्लस के बारे में, क्योंकि ये फ़ोन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, वो भी अपने इंडिया में। तो देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या होती है, इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होती है अपने इंडिया में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली चलते हैं वीडियो की तरफ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बता दूं आपको, इस महीने बहुत सारे फ़ोन की लॉन्चिंग हो गई है। मैं थोड़ा सा ब्रेक पे हो गया था, इसके वजह से अपडेट वगैरह नहीं ला पाया हूँ। मेरे पास बहुत सारे भर भर के न्यूज़ है, तो इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा पूरी न्यूज़ को कवर करने के लिए और जो भी अपडेट है वो आप तक पहुँचाने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके पास 10-15 हज़ार रुपये बजट हो, ओके, और आपको अच्छा प्रोसेसर, अच्छा स्टोरेज और अच्छा फ़ोन मिल सके और अच्छे ब्रांड के साथ। तो कैसे रहते ना, बहुत सारे फ़ोन तो रहते हैं मार्केट में लिस्टेड, लेकिन उसमें से आपको कौन सा लेना है वो मैं बहुत जल्द बना के बताऊँगा, हो सके तो अगले वीडियो में या फिर इससे इसके बाद वाले वीडियो में। तो बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो हमें इस फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है मोटो E7 प्लस। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह डिस्प्ले से। इसमें डिस्प्ले हमें कौन सा देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले फुल HD देखने के लिए मिल रहा है। प्लस इसमें प्रोसेसर की बात कर, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का देखने के लिए हमें मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है यार, 460। अभी के टाइम में तो खैर ये चलता नहीं है, लेकिन मोटो वाला इतना कम लेकर आ रहा है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। अगर ये प्राइसिंग में फिट बैठता है इस स्नैपड्रैगन के साथ, तो मैं ज़रूर बोलूँगा इस फ़ोन के साथ जाना। अगर प्राइसिंग हाई हुई तो मैं मना कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, देख लेते हैं इसके आगे की स्पेसिफिकेशन। तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है, फ्रंट कैमरा रहेगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि सेल्फी कैमरा होगा, और रियल कैमरा 48 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का एक लेंस होगा, यानी कि बैक साइड में दो आपको कैमरा यहाँ पे देखने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके साथ ही साथ रियल कैमरा जो देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बैक साइड का कैमरा, वो 48 मेगापिक्सल का होगा प्लस 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर होगा। तो यानी कि फाइनली पीछे दो कैमरा यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं फास्ट वोल्ट चार्जिंग, भाई इसमें तो नहीं है भाई, 10 वोल्ट का इसमें आपको यहाँ पे चार्जिंग देखने के लिए मिलेगा। और ये फ़ोन आपका 4G पे बेट होगा, यानी कि 4G का सपोर्टेड होगा। मैं भी शायद कुछ अपडेट के बाद इसमें 5G कर दे, लेकिन देखते हैं वो मोटो है क्या करता है। उसके बाद जो ब्लूटूथ की बात करें तो V15 का ब्लूटूथ इसमें सपोर्टेड है। उसके बाद वाईफाई की बात करें तो 802.11, यानी कि 802.11, तो ये इसका ब्लूटूथ का कुछ रेशो है, पता नहीं वाईफाई का रेशो है, पता नहीं क्या होता है। तो जो बहुत ज़्यादा डीपली होंगे फ़ोन के मामले में, उनको पता होगा ये वाईफाई कितना कैच करता है, कहाँ तक मतलब रेंज को खींच पाता है अपने फ़ोन में। प्लस इसमें GPS भी देखने के लिए हमें मिल रहा है। उसके बाद 3.5 का माइक्रो जैक भी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, यानी कि इसमें आप ईयरफोन लगा के एक्सपीरियंस ले सकते हो म्यूज़िक का। उसके बाद इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं वेरिएंट की, तो इसमें आपको वेरिएंट देखने के लिए मिल रहा है 4GB 64GB। हाँ दोस्तों, 4GB 64GB, उसके साथ मेन है बैटरी। तो यहाँ पे इसने बैटरी काफ़ी अच्छा रखा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी फ़ोन 5000mAh की बैटरी आप प्रोवाइड कर रही है, इस वजह से ताकि अपना फ़ोन की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है यूज़ करने में। आप ज़्यादा टाइम वॉचिंग, गेमिंग, जो भी आप करते हो वो ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि पहले 4000 आता था, अब यहाँ पे 5000 हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं OS की, तो यहाँ पे आपको OS देखने के लिए मिलेगा Android 10 का। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो दोस्तों, फाइनली ये इंग्लैंड में लॉन्च हुआ है, इंग्लैंड की प्राइसिंग मेरे को याद नहीं है, लगभग 150 या 200 के आसपास है, मतलब वहाँ का इंग्लैंड का। तो उसको आप कन्वर्ट वगैरह करोगे तो फाइनली इंडिया का रेट निकल कर आएगा। लेकिन अगर ये स्नैपड्रैगन इतना कम दे रहा है, कम देने के बाद ये
प्राइसिंग अगर हाई रखेगा तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा, फिर भी मेरे को पता चला है इसकी प्राइसिंग लगभग लगभग जो करीब होने वाली है 13 से लेके 12 हज़ार, यानी कि 12-13 हज़ार में ये फ़ोन आने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर ये फ़ोन 10 हज़ार के रेंज में आता है तो काफ़ी बेटर है, अगर 10 हज़ार से ऊपर है तो भाई मत ही लो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि 464 दे रहा है, मतलब एक मिनट के लिए जा सकते हो, लेकिन आप गेमिंग वगैरह नहीं करते हो फ़ोन में, आपको गेम का शौक़ वगैरह नहीं है, आप सिर्फ व्हाट्सअप कॉलिंग ऑफिशियल काम करोगे लाइक डिलीवरी, मतलब आजकल एप्लीकेशन मतलब डिलीवरी बॉय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मतलब काम से रिलेटेड जो भी है, अटेंडेंस मार्क करना जो भी है, डिलीवरी बॉय का जो ऐप रहता है, वो सब अगर आप सिंपली यूज़ करना चाहते हो तो एज अ काम के लिए ये फ़ोन काफ़ी बेटर है। क्योंकि 5000 mAh बैटरी है, आपकी चार्जिंग इसमें ज़्यादा चलेगा, यानी कि आप ड्यूटी पे रहेंगे आपका फ़ोन जल्दी डेड नहीं होगा, बात ये। तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग लगभग होने वाली है 13 से लेके 12 हज़ार के बीच में, लेकिन अगर ये 10 से लेके 12 के बीच में आते तो अच्छा है, लेकिन 13 हज़ार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ऑप्शन में हमें और भी फ़ोन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है MI वगैरह। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो Moto ES के तरफ से। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बता देना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और एक चीज़ और कमेंट करके बता देना हमें कि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि आपके पास 20,000 का बजट है, लेकिन 20,000 के रेंज में आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर होगा, क्योंकि ओप्पो भी है, वीवो भी है, रियलमी भी है, और क्या नाम इसका MI भी है, तो बहुत सारे फ़ोन हो जाते हैं ना, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सा लूँ। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा सबकी स्पेसिफिकेशन कि भाई इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, तो आप इसमें से कौन सा फ़ोन आप लो फाइनली, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरा फ्रेंड है, उसने एक फ़ोन लिया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, और इसी वजह से अच्छा फ़ोन मिला है, वीवो का V50 लिया है, काफ़ी बेटर फ़ोन है। मैं बहुत जल्द में ट्राई करूँगा उस फ़ोन का अनबॉक्सिंग डालने के लिए अपने इस चैनल में। तो दोस्तों जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं इंशाल्लाह फिर कल से वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़े बाल आ चुके हैं, क्योंकि पहले कटे थे एकदम गंजा दिख रहा था, एकदम अकोड़ लग रहा था, इसके लिए मैं नहीं लेकर आ रहा था वीडियो। तो जब तक के लिए रहिए, बी केयरफुल, कोरोना टाइम है, एनी टाइम ये साथ में रखना, क्योंकि कोरोना को मारता है, ठीक है। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, खुश रहिए, एनी टाइम आवाज़ रहिए, चलिए अल्लाह हाफिज़।